हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस टोटल मार्क्स हैं थर्टी और टाइम पीरियड है टू आवर्स टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन होंगे जिसमें वन टू थ्री क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन होगा दो मार्क्स का फोर टू इलेवन क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा

अगर हम इसे किसके साथ रिएक्ट करें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो जो एसिड्स होते हैं वो बनाते हैं सॉल्ट ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है साथ में सी ओ टू एंड एच टू रिलीज होता है ठीक है तो जो बेंजोइक एसिड है वो ये रिएक्शन देगा उसमें क्या हो जाएगा सी ओ टू रिलीज हो जाएगा बट बेंसल डीहाइड जो एल डी आई डा ये रिएक्शन नहीं देगा और उसमें सी ओ टू रिलीज नहीं होगा तो हम इस सिंपल रिएक्शन से इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल प्रोपेनल क्या है एक तरह का हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है और प्रोपेनॉन क्या है हमारा कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशियट करने के लिए हम यूज करते हैं टॉलिंस रिएजेंट ठीक है टोलिन रिएजेंट में क्या करते हैं सपोज आपके पास एल्डिहाइड है आर सी एच ओ इसे हम रेड करते हैं ए जी एन एच थ्री ट्वाइस ब्रैकेट प्लस ठीक है हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ और के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें बन जाता है आर एन ए इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो याद रखना ये जो रिएजेंट है ये है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा जो एल्डिहाइड है उसकी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी वेयर एस जो हमारे पास क्या था सिल्वर था कॉम्प्लेक्स में वो बाहर आ जाता है उसकी रिडक्शन हो जाती है और हमारा बनता है सिल्वर मिरर ठीक है तो इसमें क्या दिखता है आपको सिल्वर मिरर दिखाई देता है साथ में हाइड्रोजन एंड एन एच थ्री क्या होता है रिलीज होता है तो अगर सिल्वर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ एल डी हाइट नेक्स्ट हमें दिया है बेंसल डीहाइड एंड एसिटोफिनोन बेंजल डीहाइड और एसिटोफिनोन में बेंजल डी हाइड का एक तरह का हमारे पास क्या है एल डी हाइड है ठीक है बेंजल डी हाइड क्या होता है बेंजीन के साथ सी एच ओ ग्रुप अटैच है ये एल डी हाइट है एसिटोफिनोन में क्या होता है बेंजीन के साथ अटैच होता है सी ओ सी एच थ्री ठीक है ये एक तरह का क्या है एसिटोफिन जो है एक तरफ का कीटोन है सो एज ए रिजल्ट जो एल्डिहाइड है बेंजल है वो क्या शो करेगा अभी अभी हमने रिएक्शन की थी टॉलिन्स रिएजेंट का टेस्ट करेगा और इसमें आपका बनेगा सिल्वर मिरर ठीक है सिल्वर मिरर बनेगा तो आप टॉलिन्स टेस्ट से एल को और बेंजल को एस्टोफिन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो ठीक है तो याद रखना जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है अगर रिएक्टेंट की बात करें तो हम पहले माइनस लिखते हैं वन डिवाइडेड बाई द स्टाइशोमेट्रिक कोपिशन डेल्टा ऑफ बी आर नेगेटिव सबसे पहले बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी ये डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी आर ठीक है फिर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ बी आर ओ थ्री नेगेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू इसमें स्टैशोमेट्रिक ओफिशियंट है माइनस ऑफ वन बाई सिक्स ऑफ डेल्टा एच प्लस बाय डेल्टा टी तो रिएक्टेंट के केस में सबसे पहले आपको क्या करना है माइनस करना है और स्टेसोमेट्रिक ऑफिशियन से डिवाइड कर देना है सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे प्रोडक्ट में हम लिखते हैं पॉजिटिव ठीक है सो so, होगा वन बाय थ्री ऑफ डेल्टा बी आर टू ठीक है ब्रैकेट हमारा कंसेंट्रेशन शो करता है बाय डेल्टा टी थर्ड क्वेश्चन हमें ऑफ कार्बन आइटम इन चेन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एल डी एड कीटोन में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं तो आप दो रिएक्शन यूज कर सकते हो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो रिएट कर सकते हो ग्रिग नॉट रिएजेंट के साथ ठीक है सबसे पहले आप ग्रिगनोड रिएजेंट के साथ रियड कर सकते हो और सेकंड आप क्या कर सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हो इन दोनों रिएक्शन से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिगनोड रिएजेंट की सपोज आपके पास एल है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हमने इसे रिएट किया ग्रिग्नोट रिएजेंट आर डैश एम जी एक्स के साथ ठीक है अब इसमें याद रखना जो हमारा गिग्नोट रिएजेंट होता है ये क्योंकि आर मेटल के साथ अटैच है आर पे होता है हमारा डेल्टा नेगेटिव मेटल पे डेल्टा पॉजिटिव कार्बन एल के कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव तो जो ये आर है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है इस कार्बन पर अटैक करता है ओ एम जी जो ओ है वो एम जी एक्स के साथ जुड़ जाता है हमारा बनता है आर ओ एम जी एक्स एच आर डैश अब जब हम इसके हाइड्रोलिस करते हैं तो याद रखना क्या होता है यहाँ पे H जुड़ जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आर ओ एच एच आर डैश तो इसमें हमारा क्या बन जाता है सेकेंडरी एल्कोहल तो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए तो ग्रिगनो रीजन से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं सेकेंड रिएक्शन जिससे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं वो है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन में याद रखना जो हमारा कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है सपोज हमने लिया सी एच थ्री सी एच ओ एस्टल डिहाइट है तो इसमें अगर आप देखोगे जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है अगर हम क्या लेते हैं ओ OH एच लेते हैं तो क्या होता है हम लेंगे एच सी एच टू सी एच ओ एक और हमने एस्टल डीहाइट लिया है तो ओ एच नेगेटिव क्या करता है ये हाइड्रोजन रिमूव कर देता है एक इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बोनाइट कंपाउंड पे ये अटैक करता है और हमारी क्या होता है ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और सेल्फ कंडेशन ये शो कर सकता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ तो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो आप एल्डोल कंडेंसेशन से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो और अगर आप इसको हीट करोगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ तो हमारा एलडोलेशन और से हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी सेक्शन बी के हर एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कंपेयर क्वालिटेटिवली द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉपर और जिंक में से आपको क्या करना है दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को बोलते हैं फर्स्ट आइनेशन पोटेंशियल और सेकंड का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज सेकंड आइनेशन पोटेंशियल आपको ऑब्जर्वेशन बताना है सबसे पहले दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे कॉपर की होती है थ्री डी टेन फोर एस वन और जिंक का क्या होता है थ्री डी टेन फोर एस टू अगर हमने दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कॉपर बन जाता है हमारा थ्री डी टेन और जिंक बन जाता है हमारा जिंक प्लस इज थ्री डी टेन फोर एस वन अब हम देखेंगे दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो कॉपर को देखो कॉपर में थ्री डी टेन है तो ये क्या है इसका जो डी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है ये क्या है ज़्यादा स्टेबल है ठीक है वेर एज जिंक में है हमारे पास फोर एस वन तो कॉपर ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था कॉपर से क्योंकि कॉपर प्लस वन बन रहा है दैट शुड बी ई सो एज ए रिजल्ट हम लिख सकते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर क्योंकि कॉपर इजली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा स्टेबल डी ऑर्बिटल उसका बन जाएगा ठीक है बट अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल तो कॉपर अगर टू प्लस की फॉर्म में है तो बन जाता है थ्री डी नाइन जो थोड़ा अनस्टेबल होता है और जिंक जब टू प्लस होता है तो बन जाता है थ्री डी टेन जो ज्यादा स्टेबल होता है सो एज ए रिजल्ट सेकेंड आयनाइजेशन सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जिंक में क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा सो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो होगा दैट विल बिकम ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फोर्थ का और वाला हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ठीक है इसका फर्स्ट पार्ट दिया है हमें दिया हुआ है डी फोर स्पीसीज मतलब क्रोमियम टू प्लस भी क्या है डी फोर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मैग्नीज थ्री प्लस की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है डी फोर जो क्रोमियम है इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग स्ट्रांगली रिड्यूसिंग मतलब कि ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ठीक है वेर एज मैगनीज इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग तो मैगनीज थ्री प्लस एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर क्रोमियम एक्ट करा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो ये खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्रोमियम थ्री प्लस तो इसकी हो जाएगी डी थ्री डी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मैगनीज रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी हो जाएगी डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अब क्रोमियम डी थ्री ज़्यादा स्टेबल है और मैग्नीस टू प्लस भी स्टेबल है ऐसा क्यों क्योंकि क्रोमियम में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात करते हैं हमारे दो ऑर्बिटल होते हैं एक क्या होता है हमारा टी टू जी और एक क्या होता है ई जी टी टू जी क्या हो जाता है अगर क्रोमियम थ्री प्लस की बात करें तो ये क्या हो जाता है हमारा स्टेबल हो जाता है तो ये हो जाता है टी टू जी थ्री विच इज हाफ फील्ड तो हाफ फील्ड होने की वजह से टी टू जी क्रोमियम थ्री प्लस क्या होता है स्टेबल होता है वेरअस अगर हम मैगनीज की बात करें मैगनीज के हम डी ऑर्बिटल लेंगे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका डी ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड ठीक है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से जो मैंगनीज है वो भी क्या हो जाएगा मैंगनीज जो टू प्लस है वो स्टेबल हो जाएगा सो दैट्स वाई क्रोमियम टू प्लस क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और मैगनीज थ्री प्लस विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी पार्ट हमें दिया कोबाल टू इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजन इट इज ईजिली ऑक्सीडाइज अगर हम कोबाल की बात करें स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है वाटर जो है वो लिकन की तरह काम करता है ठीक है और इसमें कोबाल का चार्ज क्या है टू प्लस बट जैसे ही आप क्या करते हो इसमें वाटर की जगह आप रिप्लेस करते हो तो कॉम्प्लेक्सिंग रिएजन मतलब स्ट्रॉग लिकन जैसे एन एच थ्री से आपने रिप्लेस कर दिया सी ओ एन एच थ्री सिक्स तो इसका चार्ज बन जाता है प्लस थ्री ऐसा क्यों है क्यों कोबाल्ट प्लस टू से प्लस थ्री में ऑक्सीडाइज हो जाता है ठीक है तो याद रखना जब हम कॉम्प्लेक्स रिएजेंट होता है तो सबसे पहले अगर कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूशन की बात करेंगे कोबाल्ट थ्री प्लस की कोबाल्ट की थ्री प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूशन होती है थ्री डी सिक्स ठीक है और अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे हमारे क्या होता है एक होता है टी टू जी और एक क्या होता है हमारा ई जी ऑर्बिटल ठीक है और याद रखना क्योंकि जो एन एच थ्री है ये स्ट्रॉन्ग लिगल्ट है तो डेल्टा जो होता है ठीक है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी सो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है पेरिंग जो छ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं पेयरिंग शो करते हैं पेयरिंग शो होने की वजह से याद रखना हमारा ऑर्बिटल हो जाता है टी टू जी सिक्स और टी टू जी सिक्स ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है फुल फिल्ड फुली फिल्ड होने की वजह से ये ज़्यादा क्या होता है स्टेबल होता है सो दैट्स वाई कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो कोबाल्ट इंस्टेड ऑफ प्लस टू प्लस थ्री में प्रेजेंट रहना चाहता है क्योंकि वो जो पाल की प्लस थ्री स्टेट है उसमें हमें मिलता है टी टू जी सिक्स फुल फिल्ड ऑर्बिटर सी पार्ट द डी वन कन्फिग्रेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। जो डी वन कन्फिग्रेशन किसी भी आयन की अगर डी वन कन्फिग्रेशन होती है वो काफ़ी ज्यादा क्या होती है अनस्टेबल तो आपको कभी भी डी वन फॉर्म में मोस्ट ऑफ द आइंस नहीं मिलेंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर डी में से आपने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो आपका हो जाता है डी ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है वो बन जाती है स्टेबल नोबल गैस ठीक है तो आपका क्या हो जाता है स्टेबल नोबल गैस हो जाता है और स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन काफी ज़्यादा स्टेबल होती है ठीक है सो दैट्स वाई कभी भी कोई आइन D1 में प्रेफर नहीं करता है रहना नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की द फॉलोइंग रिजल्टज बिन ऑप्टेन यू ड्यूरिंग द काटिक स्टडीज तो हमें क्या दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है हमें दिया हुआ है टू ए प्लस बी रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ए का कंसनट्रेशन बी का कंसेंट्रेशन एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टी फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है अब याद रखना डी में कोई स्टाइशोमेट्रिक कोफिशियंट नहीं है तो रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी भी क्या होगा सेम होगा अगर स्टाइशोमेट्रिक कोफिशियंट होता तो हम इसे डिवाइड करना पड़ता बट डी में स्टाइशोमेट्रिक कोफिशियंट वन है तो वन से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ डी जो होगा उसकी जो वैल्यू है वो सेम होगी ठीक है अब हमें क्या करना है हमें सबसे पहले हमें रेट लॉ बताना है रेट लॉ क्या होता है अकॉर्डिंग टू द रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट टू पार एक्स एंड बी रेस्ट टू पार वाई ठीक है ये एक्स एंड वाई हमें कैसे मिलेगा हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या लेंगे हम इक्वेशन लेंगे जिसमें एक चीज क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए सपोज आपने इक्वेशन ले लिया वन एंड फोर वन एंड फोर में क्या बी की कंसनट्रेशन अगर आप देखो कॉमन है ठीक है सबसे पहले हम फोर्थ की क्या करते हैं फोर्थ वाली इक्वेशन का रेट निकाल लेते हैं फोर्थ इक्वेशन का रेट कैसे निकलेगा सो so, रेट दिया हुआ है हमें इक्वल टू टू पॉइंट फोर जीरो टेन डेस्ट पार माइनस टू इसवल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए दिया जीरो पॉइंट फोर रेस्ट टू पार एक्स बी का दिया जीरो पॉइंट वन रेस्ट टू पार वाई अब हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन वन से इक्वेशन वन में क्या दिया हुआ है अगर इक्वेशन वन की रेट की बात करें रेट दिया हुआ है इक्वेशन वन में 6.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन डेज पार माइनस थ्री इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट वन डेज टू पार एक्स जीरो पॉइंट वन डेज टू पार वाई एक दूसरे से हमने क्या कर दिया इन इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो तो क्या हो जाएगा के के कैंसिल जीरो पॉइंट वन डेज टू पार वाई जीरो पॉइंट वन डेज टू पार वाई कैंसिल हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो टेन्स पर माइनस थ्री अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आ जाएगा फोर इज इक्वल टू इसमें अगर आप करोगे तो फोर रेज टू पार एक्स ठीक है तो अगर आप देखो फोर रेज टू पार दोनों में क्या है फोर फोर है तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स विल बिकम इक्वल टू वन तो एक्स हमारा क्या आ गया वन आ गया सिमिलरली हम क्या करेंगे हमने पहले लिया था जो बी की वैल्यू सेम है अब हम ट्राई टू फाइंड करेंगे जिसमें क्या है ए का वैल्यू क्या है दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए इक्वेशन क्या है हमारा सेकेंड एंड थर्ड सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे थर्ड इक्वेशन है हमारा थर्ड इक्वेशन का रेट दिया हुआ है टू पॉइंट एट एट इंटू टेन डेस्ट पार माइनस वन इज इक्वल टू के के दिया हुआ है जीरो पॉइंट थ्री रेस टू पार एक्स जीरो पॉइंट फोर रेस टू पार वाई सेकेंड इक्वेशन हमें दिया उसको डिवाइड करेंगे सेकेंड के रेट से सेकेंड का दिया हुआ है सेवन पॉइंट टू टेन डेस्ट पार माइनस टू के जीरो पॉइंट थ्री रेस्टू पार एक्स जीरो पॉइंट टू रेस्ट टू पार वाई ठीक है अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इस इसमें ये, ये तो कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा फोर इज इक्वल टू टू रेस्ट टू पार वाई इसको सॉल्व करना ये हो जाएगा टू टू रेस्ट टू पार वाई आ जाएगा तो वाई का स्क्वायर फोर के इक्वल होता है तो वाई आ जाएगा हमारा इक्वल टू टू तो एक्स इक्वल टू वन तो हमारा बन जाएगा इक्वेशन रेट इज इक्वल टू द के ए रेस्ट टू पार वन बी रेस टू पार ट्वाइस अब हमें क्या पूछा रेट कांस्टेंट हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का तो सबसे पहले हमने फोर्थ इक्वेशन लिया था उसी को हम यूज कर सकते हैं कोई भी आप यूज कर सकते हो इक्वेशन तो हमारा होता है रेट 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर रेस टू पार वन बी हो जाएगा 0.1 पॉइंट वन रेस टू पार ठीक है तो आप एक तरफ ले जाओगे के इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर जीरो फोर डेस्ट पर माइनस टू फोर डेस्ट पर माइनस वन और टेन डेस्ट पर माइनस टू ये कैंसिल कैंसिल कर लेंगे इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो रेट का वैल्यू आ जाएगा के विल बी इक्वल टू दिक्स मोल्स पर मोल मोल्स लीटर स्क्वेयर पर मीटर फिफ्थ का और वाला क्वेश्चन है वाइल स्टडिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज एन टू ओ फाइव इट इज ऑब्जर्व दैट ए प्लॉट ऑफ एल्गोरिदम ऑफ इट्स पार्शल प्रेशर वर्सिस टाइम इज लीनियर वर काटिक पैरामीटर्स कैन बी ऑबटेन फ्राम दिस ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो एन टू ओ फाइव की जो डिकम्पोजिशन होती है ठीक है द डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू ओ फाइव ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर कानेटिक्स में ठीक है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है और फर्स्ट ऑर्डर का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए के इज इक्ल टू टू पॉइंट थ्री रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अब इन्होंने क्या दिया हुआ है इन्होंने गैस की बात की इन टर्म्स ऑफ पार्शल प्रेशर तो अगर गैस है तो इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ पार्शल प्रेशर की बात करते हैं तो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी लॉग ऑफ इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा पी नॉट और फाइनल हो जाएगा हमारा पी हम टर्म्स को इस तरफ ले जाते हैं हमारा हो जाएगा के टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय पी अब ये चीज़ याद रखना जो डिवीजन होता है लॉग में हम उसे सेपरेट अगर करें तो माइनस की फॉर्म में लिखते हैं तो के टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी नॉट माइनस लॉग ऑफ ठीक है अब हम, हम क्या करेंगे इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हम लिखेंगे लॉग ऑफ p इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री प्लस लॉग ऑफ पी नॉट हमें प्लॉट करना था एल्गोरिदम ऑफ द पार्शियल प्रेशर हमें एल्गो लॉग मिल गया पार्शियल प्रेशर का और हमें टाइम के साथ इसे प्लॉट करना है ठीक है हमें पता है ये जो इक्वेशन होता है ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल होता है तो इसका हम प्लॉट बना देंगे ठीक है इसका हमने प्लॉट बना दिया तो प्लॉट जब हम बनाएंगे तो याद रखना हमारा एक तरफ हो जाएगा y है हमारा y एक्सिस एक्सिस है है log p, है हमारा टाइम और ये जो हमारा स्लोप बन रहा है ये नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है तो हो जाएगा माइनस ऑफ k 2.303 और ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा log ऑफ पी नॉट जैसे आपने ग्राफ बनाया तो आप ग्राफ से क्या कर सकते हो रेट ऑफ द रेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो सिक्स क्वेश्चन दिया है एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिव्स ब्लू इन कलर एक्व सोल्यूशन जब कॉपर सल्फेट का होता है याद रखना ऐसे लिखते हो कॉपर सल्फेट एक्वस और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी यू एच टू ओ फोर ब्रैकेट टू प्लस एस ओ फोर नेगेटिव ठीक है तो ये होता है हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ठीक है मोस्टली इसका कलर क्या होता है इसका कलर होता है ब्लू कलर होता है ठीक है अब हमने क्या किया एक ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड एंड ब्राइट ग्रीन विद द पोटेशियम क्लोराइड। अगर आपने क्या किया वाटर की जगह अब इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया आपने सो एडिशन ऑफ एफ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव और याद रखना एफ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव आर वीकर लीगेंड देन ये वीक लीगेंड है दे आर वीकर लीगेंड देन वाटर ठीक है अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया ठीक है एक तरफ आपने क्या यूज़ किया पोटेशियम फ्लोराइड और एक तरफ आपने पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया और हमारा बन गया सी यू एफ फोर टू नेगेटिव और दूसरी तरफ बन गया सी यू सी एल फोर टू नेगेटिव बन गया अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये जो दोनों लिगेंट है वो कॉपर के साथ जुड़ गए और दोनों लिगेंट की जो एनर्जी है ठीक है जो इनका डेल्टा है वो दोनों में क्या होता है स्मॉल होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों की क्या होती है स्मॉल होती है सो एज ए रिजल्ट जिसमें ऑर्बिटल का जो डिफरेंस होता है वो भी कम होता है सो देर इज लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग तो लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्प्लिटिंग के लिए सो दैट्स वाई लाइट ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है सबसे ज्यादा होती है इस एब्जॉर्ब बाय ठीक है वो एब्जॉर्ब करता है बाय बोथ दिस कॉम्प्लेक्स बाय बोथ कॉम्प्लेक्स और याद रखना अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करा तो कॉरेस्पॉन्डिंग कलर दिखाई देता है सो एज ए रिजल्ट दोनों सोल्यूशन आपको क्या दिखाई देंगे ग्रीन दिखाई देंगे ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर सेवंथ क्वेश्चन है हाउ यू विल कन्वर्ट इथेनॉक एसिड इंटू मिथेन अमाइन इथेनॉक एसिड है सी एस थ्री सी ओ एच इसे हमें मिथेन अमाइन अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन क्या रहे है? हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं तो हम कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं बाय ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन सबसे पहले हमें क्या चाहिए अमाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे एन एस थ्री के साथ इसे हीट करेंगे हमारा बनेगा सी एस थ्री सी ओ एन एच टू आपका अमाइड बन गया अमाइड को, को आपने क्या किया ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन आपने ब्रोमीन के साथ किया है इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच तो याद रखना कार्बन रिमूव हो जाता है सी एच थ्री एन एच टू हमारा इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे है कम हो रहे हैं हमें सबसे पहले दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू फोर सी नाइट्राइल इसे हमें अमाइनो पेंटेन नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे ठीक है पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होगा ये जो हमारा ग्रुप है ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा सी एन ठीक है सी एच टू फोर सी ओ एन एच टू अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर ली होती तो एसिड बन जाता तो हमने इसमें क्या किया पार्शियल कि हाइड्रोलिसिस हमारा अमाइड बन गया अब हम अमाइड हमारा बन गया तो अब हम क्या कर सकते हैं ब्रोमीन को हम रियड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन और हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू फोर एन एच टू तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा अमाइनो पेंटेन नेक्स्ट हमें दिया मिथनॉल टू इथिनइक एसिड मिथिनॉ होता है सी एच थ्री ओ एच इसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं एस ओ सी एल टू के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एल नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले एलकाइल हेलाइड में कन्वर्ट करेंगे फिर हम के सी एन के साथ रिएक्ट करेंगे सी एन इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा बनेगा सी एच थ्री सी एन के सी एन रिमूव हो जाएगा सी एन जुड़ने से नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए इंक्रीज हो गया ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं अब हम इसकी क्या करेंगे इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे एच थ्री ओ की प्रेजेंस में और हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच ठीक है तो अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिस करते हो तो आपका माइल्ड और कंप्लीट हाइड्रोलिस में आपका बन जाएगा एसिड तो आपका बन जाएगा इथेनॉइक एसिड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज आइसोथम क्या होता है इट इज द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ हम वेरिएशन की बात करते हैं अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय एड्सॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट ठीक है जो गैस एडजॉर्ब होती है उसे हम x से डिनोट करते हैं एडजॉर्बेंट को हम डिनोट करते हैं m से और वर्सेस हम किसका प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है इसे ही हम बोलते हैं एडजॉर्ब्शन आइसोथर्म तो हम ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स बायम और किसका प्रेशर का हम ग्राफ बनाएंगे x होता है गैस एड्जॉर्ब और m क्या होता है एड्जॉर्बेंट हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और ये जो ग्राफ होंगे हमारे ये बनेंगे सारे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में सो so इसे हम बोलते हैं आइसोथर्म नेक्स्ट हम बात करेंगे की ठीक है इसमें भी हमने रिलेशन किया है क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब क्वांटिटी ऑफ गैस बाय यूनिट मास ऑफ बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट वर्सेज प्रेशर और इसमें भी हमने क्या लिया कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है इसमें हमने क्या लिखा है इसकी जो हमारी इक्वेशन बनती है लिखते हैं एक्स बाय इज इक्वल टू के पी वन बाय एन और एन का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन वन इसको हम लॉग लगा लेंगे हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस वन बाय एन लॉग ऑफ पी ठीक है इसको हम रीअरेंज करेंगे तो तुम्हारा ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स बाय एम इज इक्वल टू वन बाय एन लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ के ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका हम ग्राफ बना लेंगे इसमें हो जाएगा एक तरफ़ हम वाई जो है वाई एक्सिस हो जाएगा लॉग एक्स बाय एम एक्स एक्सिस में हो जाएगा लॉग ऑफ पी ठीक है इसको हम ऐसे बनाएंगे ठीक है स्लोप हमारा हो जाएगा अगर आप देखोगे एम के इक्वल होता है स्लोप इज इक्वल टू स्लोप जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन बाय एन और यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ के विल बी द इंटरसेप्ट ठीक है तो आपको ये लिखना है फ्रिंटलिज एड्सॉप्शन आइसोथर्म में क्वेश्चन नंबर नाइन राइट शॉर्ट नाउट नोट ऑन द फॉलोइंग अमोनोलिसिस अमोनोलिसिस क्या होता है इसमें होता है क्लीवेज ऑफ ब्रेक होता है सी एक्स बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइट एल्काइलाइट का जो सी एक्स बॉन्ड होता है बाय अमोनिया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनियोलिस सपोज आपने लिया है एन एच थ्री अमोनिया लिया है और आपने रिएक्ट किया है आर एक्स एल्काइल हैलाइट के साथ अब अमोनिया में क्या होता है अम, अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आर पे अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह और इसमें एच एक्स क्या हो जाता है हमारा रिमूव हो जाता है और हमारा बन जाता है आर एन एच टू प्राइमरी अमाइन अब ये जो प्राइमरी अमाइन बनी है वो अनदर आर एक्स पे क्या कर सकता है अटैक नाइट्रोजन अटैक कर सकता है हमारा बन जाएगा आर टू एन एच हमारा सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा ये एक और इसमें एच एक्स रिमूव हो रहा है अगेन आर एक्स पे अटैक करेगा नाइट्रोजन एक और अल्काइल हाइलाइट पे एच एक्स रिमूव हो जाएगा हमारा बन जाएगा टर्श्री अमाइन और टर्श्री अमाइन एक और क्या कर सकता है आर एक्स पे अटैक करेगा इसके साथ कंबाइन होके बनाएगा आर फोर एन प्लस एक्स नेगेटिव इसे बोलते हैं हम क्वान्टरी अमोनियम सॉल्ट ठीक है तो ये इसमें क्या हो सकता है अमोनोलिसिस में एच जो कार्बन और एक्स का बॉन्ड है ठीक है कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और आपको मिल सकता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वांटनरी कौ, अमोनियम सॉल्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में ठीक है इसमें सबसे पहले हम लेंगे थैलीमाइड लेंगे इसमें क्या होगा बेंजीन के साथ एक तरफ होगा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ठीक है इसे हम रेड करेंगे के ओ एच के साथ याद रखना जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है डिस्प्लेस हो जाता है बाइक के और वाटर रिलीज हो जाता है हमारा बन जाता है पोटेशियम ऐड हो जाता है हमारा अमाइड में थैलामाइड में हमारा एन के साथ क्या हो गया पोटेशियम ऐड हो गया नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं आर को आर क्या होता है एल्काइल हैलाइड अब क्या होता है जो हमारा के है वो तो रिमूव हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ आर अटैच हो जाता है हमारा ठीक है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया आर अटैच हो गया अब आप इसको रेड कर सकते हो ट्वाइस ऑफ एन एच के साथ अब याद रखना इसमें क्या होगा जो आर है एन एच एच दो एच ले जाएगा आर एन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा माना बनेगा आर एन एच टू और साथ में क्या होगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ में दो ओ एन ए ग्रुप क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे ठीक है तो इसमें हमारा बन जाएगा प्राइमरी अमाइन हमारा बनेगा अब याद रखना थैलीमाइड जो सिंथेसिस होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में इसमें क्या हो रहा है अगर आप यहां देखो नाइट्रोजन में एक एक स्टेप में क्या नाइट्रोजन आर पे अटैक करता है ये बॉन्ड ब्रेक करता है और आर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है इस स्टेप में आप हमेशा क्या यूज करते हो एल्काइल हेलाइड यूज करते हो आप कभी भी एराइल हेलाइड बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन आप यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि बेंजीन अगर आप यूज करोगे तो बेंजीन के साथ जो हैलोजन होता है वो क्या करता है यहां पे प्लस आर इफेक्ट शो करता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता सो एज ए रिजल्ट आपका हमेशा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिलेगा गैब्रियल सिंथेसिस से नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नेक्स्ट हमें दिया राइट द फॉर्मुला ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया हो टेट्रा अमाइन तो हम जब भी आपको ऐसा दिया हुआ है लेकिन पहले दिया हो तो आप पहले ब्रैकेट डालोगे मेटल का नाम पहले लिख लेना कोबाल्ट ठीक है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आप क्या करना जो भी आपको लिगेंड दिया दिया हुआ लिख देना टेट्रामाइन दिया हुआ तो हम लिखेंगे एन एच थ्री कितने दिए हुए हैं हमें चार दिए हुए हैं क्या दिया हुआ एक्वा दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे वाटर एच टू ओ ब्रैकेट में और लिखेंगे क्लोराइड होता है हमारा सी एल ब्रैकेट क्लोज अब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड करेंगे कोबाल्ट का दिया हुआ है हमें प्लस थ्री दिया हुआ एनएस थ्री न्यूट्रल होता है वाटर न्यूट्रल होता है क्लोराइड का चार्ज होता है माइनस वन तो ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स का जब हमने चार्ज निकाला हो जाएगा प्लस टू प्लस टू चार्ज हो जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने क्लोराइड आइन चाहिए होंगी तो टू चाहिए होंगे तो हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे क्लोराइड टू तो ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमें दिया हुआ पोटेशियम फिर हमें दिया टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट ठीक है सबसे पहले पोटेशियम बाहर लिख लेंगे फिर ब्रैकेट में हम अगेन मेटल का नाम लिखेंगे जिंकेट टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब क्या होता है ओ OH. एच लिया हुआ ओ एच फोर रैकेट क्लोज ठीक है अब इसमें अगेन हम इसका क्या फाइंड करेंगे चार्ज जिंक का दिया हुआ है प्लस टू ओ एच का होता है माइनस वन तो प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू फोर तो ओवरऑल पूरा कॉम्प्लेक्स का जब हम चार्ज फाइंड करेंगे टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू पूरा आ गया माइनस टू चार्ज आ गया इस पूरे कॉम्प्लेक्स का तो कितने पोटेशियम इसको बैलेंस करेंगे पोटेशियम का होता है प्लस वन तो हमारे टू पोटेशियम विल बैलेंस दिस चार्ज नेक्स्ट हमें दिया टेट्रा काबोनाइन निकल तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे निकल टेट्रा कार्बोनाइन होता है सी ओ ठीक है सी ओ क्या होता है टेट्रा मीन्स फोर ब्रैकेट क्लोज ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल हो जाएगा तो बनेगा एन आई सी ओ फोर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मुला एंड नेम ऑफ द फोर पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट From प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल प्रोपेनल एंड ब्यूटेन में याद रखना दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और अगर दो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आप उसकी एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हो तो आपके चार प्रोडक्ट बन सकते हैं ठीक है आपको चारों प्रोडक्ट बनाने हैं और इन ईच केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट ऐसे न्यूक्लियोफाइल एंड विच इज़ इलेक्ट्रोफाइल ठीक है तो एक ही करके बात करते हैं सबसे पहले जो प्रोपेनल है वो खुद के साथ कंबाइन कर सकता है तो हम पहले बना लेंगे प्रोपेनल प्रोपेनल होता है हमारा सी एच थ्री सी एच टू C डबल बॉन्ड OH और दूसरा हम लेंगे CH3 CH थ्री एक हाइड्रोजन सेपरेट कर लेंगे C डबल बॉन्ड OH ठीक है अब इसमें क्या होगा इसमें सिंपल है कि जो बेस होगा वो क्या करता है ओ एच नेगेटिव क्या एच हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक हमारा प्रोपेनल हो जाएगा हमारा ये न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ये कार्बन क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पे और ये ऑक्सीजन क्या करेगा सोल्यूशन में से और सॉल्वेंट में से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच सी एच सी एच थ्री यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा सी ओ एच ठीक है तो अगर हम दोनों क्या लेंगे प्रोपेनल लेंगे तो ये वाला होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल जो क्या करेगा अटैक करेगा दूसरे प्रोपेनल पे तो एक न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल हो गया सिमिलरली हम क्या ले सकते हैं दो ब्यूटेन ले सकते हैं जिसमें हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच ठीक है और दूसरा होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच एच सी एच ओ ठीक है तो एक ब्यूटेनल क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और एक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा थर्ड केस क्या हो सकता है एक तरह हमने ले लिया है प्रोपेनल ठीक है और दूसरी तरफ क्या लिया है ब्यूटेनल लिया विच इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और फोर्थ केस क्या ले सकते हैं एक तरफ हमने ब्यूटेनल ले लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच और दूसरी तरफ ले सकते हैं प्रोपेनल सी एच थ्री सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ठीक है हम सारी रिएक्शन शो कर सकते हैं इसमें क्या होगा सबसे पहले अगर आप देखोगे दोनों ब्यूटेनल हैं तो एक हो जाएगा इलेक्ट न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जो बेस होगी वो क्या करेगी हाइड्रोजन रिमूव कर देगी ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है कार्बोन कार्बन पे अटैक करेगा ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ठीक है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है थर्ड केस की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है जो ब्यूटेनल है वो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा सिमिलरली इसमें क्या होगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो कार्बन क्या करेगा प्रोपेनल पे अटैक करेगा तो प्रोपेनल बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल और फोर्थ केस में क्या होगा जो प्रोपेनल का हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो ब्यूटेनल के कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे आ जाएगा जो ब्यूटन है नल है वो इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा तो आप इसके प्रोडक्ट बना सकते हो हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एच सी एच डबल बॉन्ड ओ एच इसमें आ जाएगा हमारा एक तरफ हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा सी एच टू सी एच थ्री ये जब हमने दोनों ब्यूटेन लिए तब ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक तरफ आपने क्या लिया थर्ड वाले में एक तरफ ब्यूटेन आपने लिया न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल लिया हुआ है तो हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा सी एच सी एच ओ सी एच टू सी एच थ्री और लास्ट केस में क्या होगा जो प्रोपोनल है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल विल बी ब्यूटेनल तो हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू कार्बन पे ओ एच OH, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा सी एच सी एच ओ सी एच थ्री ठीक है तो अगर हम अगर हम बात करेंगे हमारे पास दो हैं हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड तो हमारे चार प्रोडक्ट बन जाएंगे एलेवेंथ का और वाला पार्ट दिया गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फॉर्मुलाइट्रो फिनाइल हाइड्रोसिन ठीक है तो उसका यह क्या कर रहा है डेरिवेटिव बना रहा है हाइड्रोजिन मतलब फिनाइल हाइड्रोसोन बनाता है इट रिड्यूसिस ऑक्सीडेशन इट गिवस वन टू बेनजीन डाय कार्बोक्सलिक एसिड सबसे पहले अगर हमारे पास कंपाउंड है सी नाइन एच टेन ओ ठीक है और ये दे रहा है डू फोर डी एन पी के साथ रिएक्शन तो प्रेजेंट इसमें क्या शो करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है हमारा एल डी हाइड और कीटोन सेकेंड इट रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट टॉलिंस रिएजेंट हमारा रिड्यूस करता है एल डी हाइड तो मतलब इसमें एल डी हाइड प्रेजेंट है और नेक्स्ट दिया हुआ है एल डी हाइड जो कैनिजारो रिएक्शन शो करें ठीक है याद रखना एल्डिहाइड जो कैनिजारो रिएक्शन शो करता है दो तरह के हमारे एल्डिहाइड शो करते हैं एक शो करता है हमारा बेंजल डिहाइड ठीक है और दूसरा क्या शो करता है हमारा फॉर्मल डिहाइड दोनों में याद रखना देर इज एबसेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है एबसेंट होता है यह चीज याद रखना है नेक्स्ट ये ऑन ऑक्सीडेशन इट गि वन टू बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में जो उस कंपाउंड की सपोज कंपाउंड हमारा एक्स था उसकी अगर आपने ऑक्सीडेशन की है ठीक है हमें मिल जाएगा

और अगर हम बात करें दूसरे वाला ग्रुप अगर आप सारे नंबर ऑफ़ कार्बन आप कैलकुलेट कर लेते हो तो हमारा बच जाएगा सी एच टू सी एच थ्री ये वाला ग्रुप हमारा बच जाएगा और ये वाला ग्रुप हमेशा ऑर्थो पोजिशन पे एड होगा वन टू पोजिशन पे ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमारा वाइनल प्रोडक्ट बन रहा था वन टू बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो अगर हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसे बोलेंगे टू इथाइल बेंजल डिहाइड टू इथाइल बेंजल डिहाइड अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तभी हमें मिल जाएगा वन टू बेंजीन डाई कार्बोक्सलिक एसिड तो यही हमारा होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन सी की फाइव मार्क्स का एक बेस्ड क्वेश्चन होगा इसमें सबसे पहले हमें दिया पैसेज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस अमाइंस आर एलकाइल और अराइल डेरीवेटिव ऑफ अमोनिया जो अमाइंस होते हैं एलकाइल और अराइल डेरिवेटिव होते हैं और इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन तो अमोनिया का जो हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आर ग्रुप से ठीक है तो हमारा बन जाएगा अमाइंस एल्काइल डेरेविटिव आर कॉल्ड एज एलिफेटिक अमाइंस अगर आर एल्काइल है तो एलिफेटिक अगर हमारा एराइल ग्रुप है तो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमाइन कैन बी परफॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग आइडेंटिफाइड बाय परफॉर्मिंग डाई टेस्ट हम डाई टेस्ट से बता सकते हैं कि एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है या नहीं है एनलिन इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमाइन इट अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन ग्रुप स्ट्रॉगली एक्टिवेट्स द एरोटिक रिंग तो अगर हम बात करें एनलिन में एनिलिन में क्या होता है जो एन एच टू है इसकी इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं तो इसे उसकी वजह से क्या होता है और तो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज्यादा बढ़ जाती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ द रिंग सो दर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑफ नाइट्रोजन एलोनिन अंडर को इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करता है ठीक है बिकम सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो दे आर पैरा डायरेक्टिंग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ टू डिस्टिंग्विश बेंजाइल अमाइन एंड एनलिन बेंजाइल अमाइन हमारा क्या होता है बेंजीन के साथ हमारा जुड़ा हुआ है सी एच टू एन एच टू से बोलते हैं बेंजाइल अमाइन और हमें डिफ्रेंशियट करना है किसमें एनेलिन के साथ ठीक है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेंजाइल अमाइन और एनलिन को डिफ्रेंशियट करने के लिए आप एच एनओ टू नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हो बेंजाइल अमाइन पहले आप रिएक्ट करोगे फिर उसके बाद आप जब आप इसकी हाइड्रोलिस करोगे तो याद रखना ये बनाता है हमारा बेंजाइल एल्कोहल सी एच टू ओ एच तो आपका बेंजाइल एल्कोहल नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है वेर एज अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ किसको रिएक्ट करोगे

कि हम एसिटाइल ग्रुप अटैच करेंगे हम रिएक्ट कर सकते हैं सी एच थ्री सी ओ टाइस ओ ठीक है एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सी ओ याद रखना एन एच के साथ जुड़ जाता है हमारा बन जाता है एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री अब ये जो ग्रुप है हमारा याद रखना इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सी ओ के साथ क्या शो करते हैं रेजोनेंस शो करते हैं सो एज ए रिजल्ट जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है नाइट्रोजन का वो क्या हो जाता है कम हो जाता है और इसके बाद अगर आप क्या करे नाइट्रेशन एच एन ओ थ्री और एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें होता है पैरा पोजिशन पर पे। तो पैरा पोजिशन पर क्या हो जाता है एन ओ टू अटैच हो जाता है हमारा बनता है एन एच सी ओ सी एच थ्री ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और अगर हम इसकी हाइड्रोलिस करें आप एसिड और बेस की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिस कर सकते हो तो आपको वापस क्या मिल जाएगा एनिलीन मिल जाएगा ठीक है एन एच टू मिल जाएगा और एक तरफ पे क्या अटैच हो जाएगा एन ओ टू ग्रुप तो आपका मिल जाएगा आपका टोटल जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फोर नाइट्रो एनीलिन तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा नेक्स्ट हमें दिया व्हाट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड एच टू एस ओ फोर एनिलीन मोस्टली क्या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ठीक है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था नॉर्मली वो बनना चाहिए था अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो आपका बनना चाहिए था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मतलब जो एनओ है वो अटैच होना चाहिए था या तो ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पे ठीक है या तो अटैच होना चाहिए था पैरा पोजिशन पे बट जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा हमने कि मोस्टली आपको प्रोडक्ट मिला एट मेटा पोजिशन ऑल्सो ठीक है जो एनो था वो नाइट्रेशन के बाद मेटा पोजिशन पे अटैच हो गया ऐसा क्यों हुआ ठीक है नाइट्रेशन पे ऐसे ऑर्थो और पैरा पे अटैच होना चाहिए था एनओ टू बट मेटा पे अटैच हो गया ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एनिलीन है नाइट्रोजन पे क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है ये एसिड का एच प्लस एक्सेप्ट करता है क्योंकि मीडियम आपने लिया एसिडिक तो एच प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा उसका हमारा बन जाता है एनिलीनियम आयन एनिलीनियम होता है एनएच थ्री प्लस और ये जो एनिलीनियम आयन है ये है मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से सोल्यूशन में हमारा जो NO2 है कुछ जगह क्या होता है मेटा पोजिशन पे अटैच हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन है वाई डज एनोलिन प्रोड्यूस कार्बन अमाइन रिएक्शन एनोलिन कार्बन अमाइन रिएक्शन क्यों बनाता है पहले एनोलिन बना लेते हैं ये होता है हमारा एन इस रिएक्शन को पहले मैं शो करता हूँ हम कार्बन अमाइन रिएक्शन में क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म लेते हैं सी एच सी एल थ्री और एल्कोहलिक के एच के साथ हम क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं हमारा बन जाता है एन सी ठीक है अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि एनेलीन ऐसी रिएक्शन क्यों शो करता है क्योंकि याद रखना है ये जो कार्बल अमाइन रिएक्शन है ये दे सकता है प्राइमरी और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ये प्राइमरी अमाइन दे सकते हैं तो जो एनेलीन है वो हमारा क्या so है एरोमेटिक प्राइमरी सो दैट्स वाई ये बनाता है हमारा आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड बनाता है और कॉल्ड एस कार्बल अमाइन और इसकी स्मेल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन आई होप आपको वीडियो समझ आया हो सिमिलर वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय